महाभारत में एक से एक अधिक बलशाली और शक्तिशाली योद्धा थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वह विदुर थे। भाषा और ज्ञान के आधार पर तो हम उनको दूसरा कृष्ण बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वे स्वयं धर्मराज का रूप थे। वे अगर चाहते तो अपने चमत्कारी धनुष से एक तरफ की पूरी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। यह चमत्कारी धनुष खुद कृष्ण ने उनको दिया था, लेकिन उनको भलीभांति पता था कि अगर मुझको युद्ध लड़ना पड़ा तो कौरवों की तरफ से लड़ना होगा। तभी शायद उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। विदुर को पांडव हमेशा प्रिय लगते थे, इसलिए असंभव था कि महात्मा विदुर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ते। किंतु यह बात भी सत्य है कि अगर विदुर लड़ते तो युद्ध के मैदान में उनसे शक्तिशाली योद्धा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं यमराज का रूप थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार विदुर को यम का अवतार माना जाता था। कृष्ण ने विदुर के ज्ञान और लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण का सम्मान किया। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर आए तो विदुर के घर पर रुके, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि विदुर ठीक से उनके महल में उनकी देखभाल करेंगे। विदुर ऋषि व्यास के पुत्र थे। विदुर पांडवों के सलाहकार थे और उन्होंने दुर्योधन द्वारा रची गई साजिश से कई मौके पर उन्हें मृत्यु से बचाया था। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध भी किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान विदुर धर्म और पांडवों के पक्ष में थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में विदुर ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। विदुर अपनी वृद्धावस्था में एक संत के रूप में अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र और अपनी भाभियों गांधारी और कुंती के साथ जंगलों में चले गए थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी शक्ति देते हुए कहा था कि वे दोनों भगवान यम धर्मराज के अवतार हैं। विदुर नीति को उन लोगों के बीच सबसे अच्छा माना जाता है जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। विदुर सत्य, ज्ञान, साहस, निष्पक्ष निर्णय और धर्म व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें महान महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस बाजू वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।